हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम आ रहा है और गर्मियों में बनने वाली जो भिंडी की सब्जी है वो सभी को बहुत पसंद आती है, बच्चे हों या बड़े हों। आज हम भिंडी की सब्जी को एकदम नई तरीके से बना रहे हैं, बेसन वाली भिंडी। तो फ्रेंड्स, आइए बेसन वाली भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम डाल देंगे लगभग 4 चम्मच बेसन, जो खाना खाने वाली चम्मच होती है उसके नाप से हमने यहाँ पे 4 चम्मच बेसन लिया है। गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और बेसन को अभी हमें सेक लेना है। हमने इसमें तेल या कोई भी मसाले नहीं डाले हैं, बिना मसाले और बिना तेल डाले ही हमें बेसन को सेक लेना है। लगभग 2 मिनट के आसपास हमें बेसन को सेकते हुए हो गए हैं और देखिए बेसन में से खुशबू आने लग गई है, पर कलर चेंज नहीं हुआ है। हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और बेसन को अलग बर्तन में निकाल लेंगे। बेसन को हमने बहुत ज्यादा नहीं सेका है क्योंकि अभी हम इसको भिंडी की सब्जी में यूज में लेंगे, तो इसका जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो सब्जी में निकल जाएगा। आज हम बेसन वाली भिंडी बनाने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ली है, ये धोके पोंछ के रखी है। देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। एक चीज का आप ध्यान रखें, भिंडी में बिल्कुल भी गीलापन ना हो, एकदम अच्छे से धुली हुई और सूखी हुई भिंडी होनी चाहिए। आइए भिंडी को कट कर लेते हैं। आप जैसा चाहें वैसा कट कर सकते हैं, मैं इस तरह से लंबा कट कर रही हूँ। अगर आप गोल भिंडी पसंद करते हैं तो गोल भी कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से लंबा भिंडी को कट किया है और सभी भिंडी को मैं इसी तरह से कट कर लूंगी। अगर आप पसंद करते हैं तो भिंडी की सब्जी में हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज की हरी मिर्च लंबे साइज में कट कर दी है। ज्यादा डालना चाहते हैं तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च हमने कट कर ली है, आइए अब मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाल रहे हैं छोटा 1/2 चम्मच सिका हुआ जीरा, सिका हुआ पिसा हुआ है। अब हमने डाल दिए छोटा 1 चम्मच बारीक पिसी हुई सौंफ, छोटा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, छोटा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, छोटा 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी हमने भिंडी में आधे ही मसाले डाले हैं। स्पाइसी भिंडी बनाएंगे क्योंकि बेसन वाली भिंडी है, इसलिए कुछ मसाले हम सब्जी बनाते समय डालेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, ये भी हम भिंडी में डाल देंगे और अच्छी तरह से सभी मसालों को भिंडी में मिक्स कर देंगे। भिंडी में हमने मसाले मिक्स कर दिए हैं, अब हम भिंडी को साइड में रख देते हैं। हमने गैस पे एक कढ़ाई रख ली है, इसमें हम डाल रहे हैं मस्टर्ड ऑयल। लगभग 4 चम्मच के आसपास हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। बेसन वाली भिंडी बना रहे हैं तो इसमें ऑयल ज्यादा ही पड़ता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं, इससे भिंडी ज्यादा दिन तक खराब नहीं होती है। 2-3 दिन आप इसको रख भी सकते हैं और अगर कहीं सफर में जा रहे हैं तो आप इसको अपने साथ पैक करके भी ले जा सकते हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, देखिए धुआं निकलने लग गई है। सबसे पहले हम डाल देंगे छोटा 1/2 चम्मच जीरा, छोटा 1/2 चम्मच अजवाइन और लगभग 1 पिंच के आसपास हमने हींग ली है। हींग बहुत स्ट्रांग है इसलिए मैंने 1 ही पिंच हींग ली है, ये भी हम ऑयल में डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे ली है 1 चम्मच कसूरी मेथी, ये भी मैं ऑयल में ही डाल दूंगी। छोटा 1/2 चम्मच सिका हुआ जीरा भी हम ऑयल में डाल देंगे। सभी मसालों को पकने देंगे। अब हमने जो बेसन रोस्ट करके रखा था इसमें से लगभग 2 चम्मच के आसपास हम बेसन भी डाल देंगे। ऑयल में हमने बेसन और मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम मसाले वाली जो भिंडी हमने तैयार करके रखी है वो भिंडी भी ऑयल में डाल देंगे। गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और अच्छी तरह से सब्जी को मिला देंगे। दो मिनट के लिए हम इसी तरह से भिंडी को पकाते रहेंगे ताकि बेसन नीचे लग ना जाए। गैस के फ्लेम को हमने मीडियम हाई कर रखा है। इस स्टेज पर हम भिंडी को 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि भिंडी अच्छी तरह से पक जाए। गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, आइए लिड हटा के चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बनके तैयार हुई है। अब हम बाकी का बचा हुआ बेसन, जो हमने 2 चम्मच बचा लिया था, वो बेसन भी डाल देंगे और उसके अलावा जो हमें मसाले इसमें और ऐड करने हैं वो भी हम इस स्टेज पर ऐड कर देंगे।
हमने यहाँ पे लिया है छोटा आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आप खटाई अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच के आसपास हमने ली है लाल मिर्च पाउडर और छोटा एक चम्मच हमने लिया है हरा धनिया पाउडर, छोटा आधा चम्मच हमने ली है सौंफ। बेसन वाली भिंडी में सौंफ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए हमने यहाँ पे सौंफ ऐड करी है। सभी मसालों को और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और लगभग 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह से पका लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी भिंडी की सब्जी बनके तैयार हुई है। अगर आप चाहते हैं तो इस स्टेज पर मसाले भी टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको नमक या खटाई कुछ भी कम लगती है तो वो और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी बेसन की भिंडी बिल्कुल रेडी है, लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बच्चे तो इस सब्जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। आप बेसन की भिंडी को पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। आइए गर्मा गर्म बेसन की भिंडी को हम सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स बेसन वाली भिंडी की रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।